वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म, इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। आप इस वीडियो को अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म में हम लोग 3 डिफरेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। एक तो हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, दूसरा मिक्स एडिमा कोमा और तीसरा बेसिक्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग अबाउट कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, तो एडल्ट कॉज मैंने यहाँ पे क्यों लिख रखा है, क्योंकि एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको इसमें इंक्लूड करना है तो आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज थायरॉयड डिसजेनेसिस। ठीक है, बात करते हैं एडल्ट कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म की। इसको हम लोगों ने 3 डिफरेंट हेडिंग में डिवाइड किया है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड थायरॉयडाइटिस। बेसिकली प्राइमरी हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब प्रॉब्लम कहाँ पे है, ग्लैंड में है। सेकेंडरी हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब प्रॉब्लम ग्लैंड से ऊपर वाले स्ट्रक्चर में है, जैसे कि पिट्यूटरी, जैसे कि हाइपोथैलेमस। और थायरॉयडाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। तो बेसिकली थायरॉयडाइटिस से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, क्या ये हाइपोथायरॉयडिज्म में आएगा या हाइपरथायरॉयडिज्म में आएगा। तो कंसेप्ट समझते हैं, बेसिकली अगर किसी भी ऑर्गन का इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे परमेबिलिटी इंक्रीज होती है और जो अंदर का कंटेंट है वो बाहर रिलीज हो जाता है, और इस वजह से सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, और एक बार सारा कंटेंट बाहर चले गया, है ना, वो मेटाबोलाइज्ड हो गया, तो फिर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हमें यहाँ पे इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि अभी ग्लैंड काम नहीं कर पा रहा है, वो इन्फ्लेम्ड है, और धीरे धीरे जब इन्फ्लामेशन वहाँ पे सबसाइड करते जाएगा तो फिर ग्लैंड नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तीनों कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और यूथायरॉयड। ठीक है, तो ये तीनों के अंदर आएगा। नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो यहाँ पे हमें हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा देखने के लिए मिल सकता है, या फिर सीहान सिंड्रोम। सीहान सिंड्रोम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्टपार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको देखें। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट, तो आंसर हो जाएगा हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। अदर कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ड्रग्स, आइट्रोजेनिक इन्फिल्ट्रेटिव्स। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज आइट्रोजेनिक है, ठीक है, और उसके बाद इन्फिल्ट्रेटिव। तो इन्फिल्ट्रेटिव में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, दैट इज़ अमाइलोडोसिस, हिमाटोक्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस, स्क्लेरोडर्मा, सिस्टिनोसिस एंड रिडल थायरॉयडाइटिस। अंडर ड्रग्स, एमियोड्रोन्स, आयोडीन कंटेनिंग कॉन्ट्रास्ट, लिथियम, एंटी थायरॉयड ड्रग्स, अमाइनो सेलिसाइलेट्स, इंटरफेरॉन अल्फा एंड साइटोकाइंस, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर एंड अमाइनो ग्लूटाथामाइड। दिस ऑल आर द कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो आप एज सच ये टेबल बनाएंगे, ठीक है, और इससे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जैसे कि ड्रग्स से, इन्फिल्ट्रेटिव कॉज से, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। तो हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस एक अलग से टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, टॉकिंग अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, तो याद करना बहुत आसान है, हमें करना क्या है, हमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलना है। उससे पहले जनरल फीचर्स, फैटिग, फीलिंग कोल्ड, वेट गेन एंड पुअर एपेटाइट। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, तो आंसर हो जाएगा फैटिग। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब हम लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलते हैं, रिलेटेड टू ब्रेन, पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमें हेयर लॉस देखने के लिए मिलेगा हेड पे, साथ में यहाँ पे हमें पुअर हियरिंग भी देखने के लिए मिलेगा। नीचे आते हैं, रिलेटेड टू लैरिंग्स, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। रिलेटेड टू लंग्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड प्लूरल इफ्यूजन। रिलेटेड टू हार्ट, स्लो पल्स रेट एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। रिलेटेड टू मसल्स, डिलेड रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन। रिलेटेड टू स्किन, पारास्थेशिया एंड मिक्स एडिमा। रिलेटेड टू इंटेस्टिन, कॉन्स्टिपेशन एंड एसाइटिस। रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेनोरेजिया। और एक्सट्रीमिटीज़ में हमें कार्पल टनल सिंड्रोम और कोल्डनेस दिखने के लिए मिलेगा। तो मैंने यही सारा क्लिनिकल फीचर्स आगे पॉइंट वाइज लिख रखा है,
यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको साइन और सिम्टम्स अलग अलग लिखना है। जैसे पेशेंट हमारे पास आएगा तो पेशेंट ये नहीं बोलेगा क्या वो उसका जो पल्स रेट है वो स्लो हो गया, ठीक है ना, वो बस ये बोलेगा क्या फैटिक है। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे जितना भी क्लिनिकल फीचर्स बताया आपको साइन और सिम्टम्स में डिवाइड करके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखना है। वही सारा क्लिनिकल फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट जिससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, स्लो रिलैक्सेशन ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स दैट इज स्यूडो मायोटोनिया, और कंडक्टिव डिफनेस हमें देखने के लिए मिलता है, और सम पेशेंट में हमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो हमें हेयर है उसका हमें थिनिंग देखने के लिए मिलेगा, थिनिंग ऑफ हेयर एंड आउटर थर्ड ऑफ आईब्रो। स्किन मिक्सेडिमा में हमें याद रखना है क्या, दिस इज़ ड्यू टू ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकन्स डिपोजिशन, इट इज़ नॉन पिटिंग टाइप एडिमा, और ये सारा पॉइंट ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। टॉकिंग अबाउट मेनोरेजिया फर्टिलिटी एंड ग्लैक्टोरिया, तो बेसिकली फीमेल में हमें पहले मेनोरेजिया देखने के लिए मिलता है, आफ्टर दैट ओलिगो एमिनोरिया, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी देखने के लिए मिलेगा, और साथ में हमें ग्लैक्टोरिया देखने के लिए मिलेगा। ग्लैक्टोरिया हमें क्यों देखने के लिए मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से क्या होता है, जनरली अगर यहाँ पर यू थायरॉयड का स्टेट रहता है या हाइपर थायरॉयड का स्टेट रहता तो नेगेटिव फीडबैक प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे, लेकिन यहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म में तो ऊपर से TRH और TSH का रिलीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और जो TRH होता है वो क्या करता है, इट स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन, इसलिए हमें यहाँ पे ग्लैक्टोरिया देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हमें वेट गेन देखने के लिए मिलेगा लेकिन जो एपिटाइट है वो हमारा पुअर रहेगा। मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ में हमें यहाँ पे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने के लिए मिलेगा, साथ में यहाँ पे हमें हाइपर लिपिडीमिया और हाइपर होमोसिस्टिनीमिया देखने के लिए मिलेगा। हाइपर लिपिडीमिया की बात करें तो यहाँ पे जो LDL का लेवल है वो इंक्रीज मिलता है। एनीमिया में देखने के लिए मिलता है, एनीमिया में कैसा देखने के लिए मिलेगा, या तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगा या फिर मैक्रोसाइटिक जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये हमें कब देखने के लिए मिलेगा, व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया। तो अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें 10 पॉइंट्स को तो इन तीनों को एक साथ, रिलेटेड टू फीमेल मेनोरेजिया रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एंड ग्लैक्टोरिया, और जब हम लोग ब्लड सैंपल लेंगे तो वहाँ पे हमें क्या क्या पता चल सकता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया और एनीमिया, और CVS से रिलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। तो इस तरह से टोटल 20 पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाशिमोटो थायरोडाइटिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। थैंक यू।